जो एक्चुअल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है हमें WHO के हिसाब से, वो ये है फीमेल एडल्ट जो होते हैं उनको चाहिए होता है एवरेज कंडीशन में, मतलब हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डेली लाइफ की रेगुलर बेसिस पे जी रहे हैं, तो हमें 2.2 लीटर्स वाटर चाहिए होगा। बट अगर बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है, जैसे कि हमारा गर्मी में हो जाता है 45 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, 45 या इससे अब जाता है, और हम ऑफिस का अप डाउन डेली करते हैं, बहुत सारा वर्क होता है, तब हमें चाहिए होता है 4.5 लीटर्स वाटर इनटेक। और प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल फीमेल को चाहिए होता है 4.8 लीटर्स वाटर प्रेगनेंसी के टाइम पे, और लैक्टेशन के टाइम पे चाहिए होता है 5.5 लीटर्स वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो मोस्टली मिल्क के प्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है, इसलिए ज़्यादा चाहिए होता है नॉर्मल से लैक्टेशन के टाइम पे। और मेल अडल्ट्स की बात करते हैं तो मेल अडल्ट्स को एवरेज कंडीशंस में वाटर चाहिए होता है 2.9 लीटर्स, और वही सेम मैनुअल लेबर कंडीशन में है और हाई टेम्परेचर वाले एरिया में है, तो सेम एज फीमेल 4.5 लीटर्स वाटर चाहिए होता है। तो ये है एक्चुअल वाटर की हमें जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में वो।